ईद के मद्देनजर रविवार को शाम को 4 बजे पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में ईद की नमाज 5 लोगों द्वारा अदा किए जाने वाली कोरोना गाइडलाइन इनका पालन करने की समझाइश भी दी गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शकील कुरैशी ने कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया। प्रेस फोटोग्राफर राजेंद्र जैन ने वैक्सीन सेंटर पर टोकन पद्धति लागू करने की मांग की। बैठक में थाना प्रभारी डीआर जोगावत, नायब तहसीलदार अनुज जैन, विद्युत कंपनी सहायक कैलाश कुमावत, प्रभारी सीएमओ मोहन नंदेरा, मुस्लिम समाज अध्यक्ष अब्दुल हसीब खान और साथ ही में शहर काजी मुख्तार, भाजपा मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंद राम थाकर, जाफर खान और राजेंद्र जैन, सुधाकर विपट, साथ ही में शंकर पटेल, शरीफ कुरैशी, जगदीश थाकर, जितेंद्र पांचाल, पीयूष जायसवाल, गोपाल नदेड़ा, साथ ही में अतुल उपाध्याय आदि उपस्थित थे। हाँ, आज ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में आज शांति समिति की बैठक थाना नागदा में, बिरला ग्राम और नागदा की, और थाना उनेल में उनेल क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों की एवं जो गणमान्य मुस्लिम समाज में नागरिक थे उन लोगों को बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि बैठक में उनसे निवेदन किया गया कि कोविड के नियमों का अक्षरशः पालन करें, भीड़ भाड़ न रखें, मास्क लगाएं, अपने अपने घरों में पूजा अर्चना नमाज अदा करें और 144 लगी हुई है, कोविड के नियमों का पालन करें और अच्छे से मनाएं, लेकिन अपने अपने घरों में इसका नमाज अदा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।